की खिचड़ी, ठीक है। इसमें अदरक वो रहने दो अभी, अदरक लहसुन पेस्ट डाला, ओके, जीरा राई वगैरह, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, नमक, ऑनियन डाला और ये अंदर रखा मैंने, ठीक है। अब इसको मुझे तड़का देना है, बघारने का है, ओढ़नी देने का है, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता माइक्रो, माइक्रो सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से देता हूँ 4 मिनट, खुशबू आना चाहिए, हाँ 4 मिनट स्टार्ट, 4 मिनट में बघारे जाएंगे, खुशबू आ जाएगा, तड़का दिए जाएंगे। और कभी आप उन्हें टाइमिंग कम रखे नहीं होंगे, उसको बढ़ा सकते हैं टाइमिंग, हाँ टाइम बढ़ा सकते हैं, चाल में बढ़ा सकते, बिल्कुल बिल्कुल। और इधर मैंने साबूदाना भिगा के रखा है अभी, उसको यूज़ करो। ये देखो, ये साबूदानी खिचड़ी बनाने के लिए तड़का दिए गया, खुशबू आई, देखो ये कांदे वगैरह भी ब्राउन रेड हो गए, खुशबू भी आ गई। अभी इसमें मैं साबूदाना मिक्स करता हूँ, हल्दी डालेंगे या फिर रेड चिली, हाँ डालो, हल्दी डालो, हल्दी क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन चिली डाले अपन ने, नहीं क्या, ठीक है। थोड़ा सा पानी ले लो जब तक आप कोथमीर काट लो, मैं थोड़ा स्लो डाल डाल, बस बस, ये ड्राई नहीं बनेंगे थोड़ा सा। अब मैं इसको अंदर रखता हूँ, अंदर रखा मैंने इसको, और मैं इसको यहाँ से देता बस 4 मिनट स्टार्ट। ये सब माइक्रो में कर रहे हैं हम, ये हो गई दादा अपनी साबूदानी खिचड़ी बन गई, देखा खुशबू भी आई। ज्यादा लगे तो ज्यादा भी बना सकते, ज्यादा भी बना, ज्यादा देर रखने का, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी कच्चा पन है तो हाँ हाँ ज्यादा देर रख सकते हैं आप। अब ये तो कोथमीर ऊपर से डालते हैं, साबूदानी खिचड़ी जैसा है, श्रावण सोमवार इनके त्यौहार वगैरह रहते हैं, ये सारे लोग बना सकते हैं, तड़के के साथ बनाया अपन ने तेरा।